हैस लॉ। हैस लॉ क्या कहता है? देखो, अगर कोई रिएक्शन है वो एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, ठीक है, तो उन सब स्टेप्स की जो इंथैल्पी चेंज है उसको आप ऐड कर दो तो आपको ओवरऑल रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज मिल जाती है। ये हैस लॉ है। सिंपल भाषा में समझाता हूँ, देखो जैसे ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, इसका मान लो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है डेल्टा एच आर। ये मान लो दो स्टेप में होती है, ए प्लस बी बिकम्स पी प्लस क्यू एंड देन पी प्लस क्यू बिकम्स सी प्लस डी। इसका है डेल्टा एच वन, इसका डेल्टा एच टू, तो इन दोनों को जोड़ दो। ए प्लस बी ये कट जाएगा ना, गिव्स सी प्लस डी, इनको जोड़ के ऐसे आएगा, ये कट जाएगा, तो इसका जो टोटल इंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू, और यही किसके इक्वल है, डेल्टा एच आर के इक्वल है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड वो नहीं करती। सिंपल हैस लॉ क्या है, कोई भी रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है उन सब स्टेप्स की इंथैल्पी आप जोड़ दो, इंथैल्पी चेंज उन हर स्टेप्स की जोड़ दो तो आपको ओवरऑल स्टेप की इंथैल्पी चेंज मिल जाएगी। इंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सही है बात है, एक्सटेंसिव है, सिस्टम के साइज पे तो डिपेंड करती है ना इंथैल्पी। इन जनरल इफ इंथैल्पी चेंज ऑफ एन ओवरऑल रिएक्शन, ए टू बी एक रिएक्शन है, अलॉन्ग वन रूट इज डेल्टा एच आर। अगर आप इसको डायरेक्ट करो तो इसकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर है, एंड डेल्टा एच आर वन, डेल्टा एच आर टू, डेल्टा एच आर थ्री डैश 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 रिप्रेजेंट्स इंथैल्पी ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शंस लीडिंग टू प्रोडक्ट बी। मतलब ये इंटरमीडिएट स्टेप्स हुए हैं जिनकी इंथैल्पी चेंज दे रखी है आपको। व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच आर फॉर ओवरऑल रिएक्शन एंड ये सारे स्टेप्स हैं, जो क्या होगा सबका सम आएगा ना, ओवरऑल चेंज क्या है, इंटरमीडिएट स्टेप्स के इंथैल्पी चेंज का सम। ये हैस लॉ है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। अगला, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशंस ए एंड बी एंड सी, आपको तीन थर्मोकेमिकल इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है, तो आपको बताना है एक्स वाई और जेड में क्या रिलेशन होता है। तो पता है क्या है, आप इक्वेशंस को भी ऐड कर सकते हो, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और जैसे जैसे आप जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप इक्वेशन पे परफॉर्म करोगे सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन इंथैल्पी पे परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब करके देखो क्या बनेगा, ये आ गया थर्ड आंसर आ गया, एक्स इजिकल टू वाई प्लस जेड। इनको दोनों को जोड़ना जरा, इन दोनों को जोड़ो क्या बन रहा है, इन दोनों को जोड़ दो, ये कट गया है ना, सी ग्रेफाइट प्लस ओ टू गैस बिकम्स सी ओ टू गैस, तो ये बी और सी को जोड़ के ए ही तो बन रहा है, बी और सी को जोड़ के ये बन रहा है ना, तो इसलिए वाई प्लस जेड क्या हो गया, एक्स हो गया है ना, तो थर्ड आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था।